अक्सर आप किसी भी आईएएस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां पर आपको अक्सर ही देखने को सुनने को मिलता है कि एक स्टूडेंट था हमारी क्लास में या दो स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट थे जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे लेकिन उनके बैंड स्कोर 6.57 तक चले गए, और उनमें से एक स्टूडेंट आप भी होते हो जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हो स्पेशली रीडिंग में लेकिन आपका स्कोर 5 बैंड 5.5 बैंड से ज्यादा नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों का स्कोर रीडिंग में क्यों कम रह जाता, बाकी सारे मॉड्यूल में अच्छा स्कोर आता है लेकिन रीडिंग में क्यों नहीं स्कोर आता, क्या आप लोग उन लोगों से कम हार्डवर्क करते हैं या फिर वो लोग ऐसा कुछ स्मार्टवर्क करते हैं जिसकी वजह से वो स्कोर कर लेते हैं लेकिन आपका स्कोर नहीं आता। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा आईएलएस की रीडिंग जो होती है उसमें डिफरेंट प्रकार की स्किल्स होती हैं, जो भी क्वेश्चन उन्होंने डिजाइन की होते हैं नॉर्मली आपको पता 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन आईएलएस की रीडिंग में आते हैं। ये जो 6 से 7 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की स्किल्स होती हैं जो आपका एग्जामिनर आपकी टेस्टिंग कर रहा होता है। आपने अक्सर स्टूडेंट देखा होगा जब आप आईएलएस की क्लास में बैठते हैं तो आपको 1 घंटे के लिए रीडिंग पकड़ा दी जाती है, आपको बोला जाता है कि 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, आप पूरा जोर लगाते हो, आपको कोई टेक्निक नहीं बताएगी, कोई स्ट्रेटजीज नहीं बताएगी क्या क्या स्किल्स रीडिंग में हमें चाहिए होती, कुछ नहीं बताया गया और आप लोग बैठ जाते हैं रीडिंग करने। ठीक है जी, हाँ ये चीज पॉसिबल है जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो उस वक्त आपको 2 दिन का डेमो क्लास दिया जाता है, उसमें आपके साथ टीचर बैठा होता है और आपको बहुत ईजी सी रीडिंग पकड़ाई जाती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल क्लास में जाकर बैठते हैं तो आपको 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, आप इधर उधर देख के थोड़ी बहुत हेल्प लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, कुछ गैस वर्क लगा देते हो जिससे आपका स्कोर 12, 13, 15, 16, 17 तक चला जाता है। 2-3 दिन में 4 दिन में आपका स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है, 20 स्कोर चला जाता है लेकिन उसके आगे आप नहीं जा पाते हो। 2 से 3 मंथ तक ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है, आप अपने टीचर के साथ डिस्कशन भी लेते हो, आपका टीचर आपको ये बता देता है कि ये आंसर कहां से आया, इसकी लोकेशन कहां पर है। ये सारा करने के बाद 2-3 महीने बाद आप अपना एग्जाम फिल कर देते हो, एग्जाम बुक कर देते हो और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आप रीडिंग में फेल हो जाते हो। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से उसी आईएएस इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको ये बोला जाता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप ऐसे करो आप एक की जगह पर 2 रीडिंग्स करनी स्टार्ट कर दो या 3 रीडिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दो। तो आप अपने टीचर की एडवाइस लेकर या पेरेंट्स का प्रेशर लेकर, क्योंकि आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, आप और ज्यादा मेहनत करनी स्टार्ट कर देते हो, आप मेहनत करते हो 2-2, 3-3 रीडिंग करना शुरू कर देते हो लेकिन आपको उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और आप दूसरी तरफ देखते हो जो स्टूडेंट आपकी क्लास में बहुत कमजोर होते हैं या नॉन सीरियस होते हैं तो मोस्टली वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आईएलएस क्लियर कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं और आप लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको भी वो स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। स्टूडेंट्स आईएलएस की रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसलेशन, दूसरे नंबर पे होती है आपकी वोकैबुलरी और तीसरे नंबर पे ग्रामर। ये 3 चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आप रीडिंग को पहली ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन की। स्टूडेंट्स जो आईएलएस रीडिंग की ट्रांसलेशन होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है आईएलएस की रीडिंग को सॉल्व करने में। मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स यहां पर कि आपको जितने भी पैसेजेस आते हैं साइंस हिस्ट्री एजुकेशन, ठीक है, ऐसे ही आपको पैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट ये जितने भी पैसेजेस होते हैं इन सभी पैसेजेस में 50-60% कंटेंट जो होता है वो आपके स्कूल टाइम में ऑलरेडी आपने पढ़ा होता है। मतलब कहने का ये है कि इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं 50-60% वो ऑलरेडी आपने स्कूल टाइम में पढ़े होते हैं। अगर आपकी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज 50-60% वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30-40% वर्ड्स नए होते हैं, उसमें हार्ड वोकैबुलरी होती है जो कि आपको क्लास में सीखनी चाहिए। जब आप किसी आईएलएस इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हो day 1 से आपको जो भी वर्ड आपको नहीं आता उसको लिखना है नोटबुक के ऊपर, आपको ये नोटिस करना है कौन सा ऐसा वर्ड था जिसकी वजह से आंसर उसके ऊपर टिका हुआ था, जिसकी वजह से आंसर मेरा गलत हो गया, आपको day 1 से वो वर्ड लिखने। और मैं गारंटी देता हूं स्टूडेंट अगर आप रोज ऐसा काम करते हो 30-40 वर्ड्स जो आपको मैंने बताए अभी हर रीडिंग में आपको मिलेंगे वो वर्ड्स आपको लिखने हैं, कम से कम 8-10 वर्ड डेली आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करने हैं, इसकी लिस्ट को लंबा करते रहना, महीना 2 महीने जब तक आप अपनी कोचिंग ले रहे हो उसको लिखते रहना है, आपको मैं गारंटी देता हूं आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ग्रामर का। ग्रामर में सिर्फ आपके टेंसेस नहीं होते, उसमें आपके टेंसेस मॉडल्स पैसिव
कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट्स होता है आपकी पंक्चुएशंस का, जिसके बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी अपने बच्चों को नहीं बताता, जिसमें आपकी इन्वर्टेड कॉमास, हाइफन, डैश, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि अगर ये सारा काम हमने खुद ही करना है तो फिर हमारे टीचर का क्या रोल है? यहां पर आप लोग गलत हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके टीचर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रीडिंग की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपको आपका टीचर बता सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको स्क्रीन के ऊपर बताना चाहूंगा, ये टोटल 11 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, आईडीपी कह रही है कि 11 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं टोटल जो आपको आईएलएस रीडिंग में पूछे जाते हैं। लेकिन इन 11 टाइप्स में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका टीचर बताएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें कौन कौन सी स्किल आपको इंप्रूव करनी है। हर क्वेश्चन की अलग स्किल होती है, ये नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन को आप एक ही तरीके से या एक ही स्ट्रेटजी से करते हैं, उनके लिए अलग स्ट्रेटजीज हैं, अलग स्किल्स हैं, वो आपका एग्जामिनर आपकी टेस्ट कर रहा होता है आईएलएस रीडिंग एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और दूसरे नंबर आपकी ब्लैंक्स और लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 90% एग्जाम्स में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम तीनों को काउंट कर लें तो आपका नंबर 20 से प्लस इन तीनों में से ही चला जाता है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ब्लैंक्स और लिस्ट ऑफ हेडिंग। अगर आप ये तीनों के स्किल्स में मास्टर कर लेते हो तो 100% आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कौन सी स्किल आपकी टेस्ट होती है, तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट इसमें आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग स्किल्स टेस्ट होती है। मैंने देखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज हैं जिसमें आपको क्या बोला जाता है कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, अगर दो पार्ट मिल गए तो फॉल्स हो जाएगा, एक पार्ट नहीं मिला तो नॉट गिवन हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई है, विचार टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, कोई बेस नहीं उनका। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, उस लैंग्वेज के ऊपर आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग एबिलिटी टेस्ट कर रहा है आपका एग्जामिनर। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, एक एक चीज मैंने वहां पर आपको समझाई हुई है कि कैसे एग्जामिनर जो है वो रीडिंग को डिजाइन करते हैं और कैसे कौन सी स्किल्स आपकी टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये सारी स्ट्रेटजीज आपका टीचर आपको बताएगा और आपको खुद सॉल्व करके दिखाएगा कि इनको कैसे करना है, और आपको उसकी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है जब आप खुद रीडिंग की प्रैक्टिस करते हो। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आपको टाइम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको ये सारा काम जो है 60 मिनट्स में ही करना है। आपको एक रीडिंग सॉल्व करने में एक घंटा 30 मिनट 20 मिनट 15 मिनट लग रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहला काम करना है अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, आपने स्किल सीखनी है कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है। और जब आप एक बारी से सारा कुछ करना स्टार्ट कर दिए हैं, आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तब आपको सेकंड मंथ में जाकर टाइम मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना, धीरे धीरे अपना टाइम कम करना है और आप 100% अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, आपका डे वन से वोकैबुलरी इंप्रूव हो रहा है, आपका डे वन से आपने ग्रामर को पकड़ रखा, आपने डे वन से चीजों को समझना स्टार्ट कर दिया कि रीडिंग में मुझे क्या स्किल्स चाहिए, कैसे इंप्रूव करना, टीचर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप खुद सोचिए आपके स्मार्ट वर्क से आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर स्ट्रेटजी, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दे सकता है। और ये सारी चीजें स्टूडेंट आप घर पे बैठकर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, यहां पर आपको कोचिंग दी जाती है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आपको हम पे विश्वास है कि हम आपको अच्छा समझा सकते हैं, तो प्लीज हमारे साथ कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की गई है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे देना अगर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनका समय बर्बाद ना हो और वो भी स्मार्ट वर्क करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच।